हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंजलि। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू नो समथिंग अबाउट एलोवेरा। एलोवेरा इज़ अ वैरायटी ऑफ सकुलेंट प्लांट। ये जो होती है ये एरिड रीजन में काफ़ी पाई जाती है। ये एक सकुलेंट की वैरायटी है और इसकी जो लीव्स है उसमें काफ़ी सारा जल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। एंड आप सब लोग देख सकते हैं, अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो कुछ इस तरह से ख़राब हो जाती है प्लांट। ये देखिए पूरी ब्राउन हो चुकी है। तो एलोवेरा को है ज़्यादा ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहाँ पे काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो इसीलिए एलोवेरा ख़राब हो चुकी है। जबकि मैंने इसको शेड भी रखा है लेकिन फिर भी बारिश की बूंदें यहाँ तक पहुँच चुकी है और ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो आई होप अभी धूप निकले तो ये थोड़ी ठीक हो जाएगी। आपको अंडर वाटरिंग भी नहीं करनी, अगर अंडर वाटरिंग हो जाएगी तो ये श्रिंक हो जाएगी और सूख जाएगी और ये वैसे ही ख़राब हो जाएगी। तो इसमें जो है पानी की मात्रा काफ़ी मेंटेन करनी होती है। एंड मुझे लगता है कि 90% लोगों के घर में तो एलोवेरा पाई ही जाती है, लेकिन इसको प्रोपेगेशन कैसे करना है वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो जब भी आप कोई एलोवेरा का प्लांट देखें और आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे जो बेबी प्लांट अगर आ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि दिस इज़ टाइम टू ट्रांसफ़र दिस प्लांट फ्रॉम दिस पॉट टू अनदर पॉट। जैसे कि अगर आप मिट्टी का पॉट भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास ऐसी प्लास्टिक की थैली है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे छोटे छोटे बेबी प्लांट होते हैं, ये देखिए छोटू सा है तो ये निकल रहा है। तो आप इसको अलग से रूट के साथ निकालिएगा। जब भी अगर आप प्लांट को दूसरे पॉट पर ट्रांसफ़र करते हैं तो नीचे मिट्टी और उसकी जो रूट्स है वो दोनों को निकालेगा, ऊपर से खींच के नहीं निकालेगा, क्योंकि इसमें जो होता है रूट्स टूटने का डर होता है या फिर प्लांट को हार्म होने का डर होता है। तो इसीलिए इसमें प्लांट का सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड एलोवेरा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे ये अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल है या फिर हेयर फॉल हो रहा है तो दोनों ही चीज़ों में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आपको कहीं पे बर्न हो गया या फिर आपका हाथ जल गया तो इमीडिएटली तभी अगर एलोवेरा यूज़ करेंगे तो आपका जो घाव है वो नहीं होगा, पहले ठीक हो जाएगा। देखिए ये जो बड़ा सा प्लांट है ये है मदर प्लांट जो मैं मार्केट से लेकर आई थी, लेकिन बहुत बड़ा था लेकिन ये बारिश की वजह से पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। मैंने यही प्लांट से इतने सारे बनाए थे प्रोपगेशन करके, लेकिन अभी ये प्लांट इसको देख के लग नहीं रहा है कि मैंने इससे प्रोपगेशन किया है, लेकिन काफ़ी बड़ा था लेकिन बारिश की वजह से टूट गया है। मैंने वहाँ पर भी लगाया है एलोवेरा। इसमें जेल कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक है, लेकिन जो लोकल एलोवेरा आती है उसमें जेल कंसिस्टेंसी बहुत कम होती है। एंड उसकी जो जेल होती है वो एकदम वाटर की तरह होती है, वैसे थिक नहीं होती है, पानी की तरह होती है। कुछ जल उतना अच्छा नहीं होता लोकल एलोवेरा का। तो आप जब भी एलोवेरा खरीदें तो मार्केट से ही खरीदें और जो है पत्तों को चेक कीजिए कि कितनी मोटी है। अगर जितनी मोटी पत्ती होगी तो आप समझ जाइए कि उसमें जल भी उतनी ज़्यादा है। मैं एलोवेरा को घर के अंदर नहीं रखती क्योंकि कहा जाता है कि इसमें स्पाइंस होते हैं तो ये नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते, इसलिए मैंने इस तरह से बाहर पे रखी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। बाय बाय।